कहाँ से आए थे? झगड़ मतलब उसे लो तेज एग्जाम में चल लगा रे, पूरी ताकत लगा दो उसे जोर से। तुम तो दूसरी है ना आले मुल्क से लो झगड़ो उस वक्त लगा पूरी ताकत जोर से लगा और जोर से। पीछे जा, पीछे जाके लगा पूरी ताकत, इतनी ताकत है तेरे में और जोर से। जोर से आग लगाओ उसके अंदर तेज एक साथ में जकड़ के। कहां से आया था तू? शमशान से, कब्रिस्तान से। और क्या कर रहा था उसके अंदर बैठ के? हाँ, कौन ला के डाले थे बच्चे के अंदर? उसके माँ के तरफ के लोग थे, बाप के तरफ के थे? कहाँ से लाए थे? खबर। हाँ, खबर। खबर कहाँ से? खबर कहाँ से? खबर में से। कहाँ का कब्रिस्तान था वो? पापा। कहाँ का कब्रिस्तान? पापा नजदीक से। किसके? उसके पापा के नजदीक के। हाँ हाँ कौन है वो? वो है वो कहाँ रहता? हाँ भट्टी पे का। उन्हें चाय पिलाया काली। हाँ कब पिलाया था? कितना टाइम हो रहा? नहीं दिन हो रहे। कितने? चार साल। चार साल में? हाँ। इतने छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? उसके घर बार बात करने का। हाँ हाँ। किस किस को मारने का था? उसके बाप को मारा। हाँ, और उसके बाप को मार दिया बच्चे के? अल्लाह अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झगड़ा हो गया था ना आपको? कैसा मारा उसके बाप को? ड्राप डाल के। क्या करके? ड्राप। अच्छा, वो क्या रहता? उसकी आंखी को काट लाए थे। हाँ ए? हाँ करने करे लिए। और किसको मारे उसके घर से? उसका बाप। बाप बच्चे का? और उसके दादा को मारे? हाँ। दुश्मनी क्या थी ये? दुश्मनी थी। किस चीज की? झगड़े हुए थे। काई के बारे में? काई के बारे में झगड़े हुए थे। काई पे से? काई का झगड़ा था वो इतने छोटे बच्चों को नहीं बख्श रहे? वो पैसे के लिए जलते। काई के पैसे? हमारे ट्रैक्टर है बोल के। हाँ। घर में दाल की डाले उन्होंने। हाँ। नींबू। हाँ। काला काला है वो। ए बंद करो। जलाओ उसके अंदर से भी आग लगाओ तेज के साथ में। आग लगाओ उसके अंदर तेज से, आग भड़काओ भड़काओ तेज से, आग भड़काते रहो उसके अंदर भड़काओ उसके अंदर और तेज से आग।
ये बच्चे को कैसा मारने वाला था। अब उसके अंदर तेजी से आंख भड़काओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أعوذ بالله من القرآن ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد قليلا إن لك في النهار صباحا طويلا واذكر اسم ربك واضبط إليه تبتلا رب المشرق واغفر على ما يقولون بحيات الجميل يا ربني والمغضبين على النعمة المقليلة إنا لدينا أنكال مجمع نزع قصة معقابا أليما يوم طار رجف الجبال كانت البلغة معيلة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول كان ود مفعولا إنا ربك يعلم الصلاة وآتوا الزكاة الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم جلوس کے اندر تیزی سے آگ لگا دو پوری چھوڑو مت اس کو جکڑ کے تیزی سے چلاؤ और जोर से और ताकत लगाती नारा और जोर से जलाओ जकड़ लो उसके अंदर से तेज साथ में और कितों को मारने वाला इसके घर से अभी हाँ परेशान करने वाला और कुत्ते करने वाला और पैसे फरार करने वाला और कुछ नहीं और क्या करने वाला उसके पास के पैसे खराब करने वाला पूरे कहीं के वास्ते खलास करने वाला पैसे लाओ उसको और जलाओ और किस किस को मारने वाला उसके घर में से किस को नैना ये बच्चे को कब मारने वाला मास में कुंडम में नैना मारने वाला खाली पैदल करने वाला साईं बोल साईं उसके बाप को क्यों मारा फिर उसके दादा को क्यों मारा उन्होंने भी को मारने को आए थे तू बदला लेने को करा वैसा हाँ कई के वास्ते मारने को आए थे उन्होंने को कमबख्त नाला से मनमानिया करता होमबर्ट के लोगों के छोटे छोटे बच्चों को मारता बता तेरी कितनी ताकत है मेरे को तो बच्चों को और वो लोगों को बता रहा था तेरी ताकत मुझे बता उन काट के टुकड़े करता हूँ तेरे अभी लाओ उसको नाला गुजरात रहो कुत्ते जिसे अब तेरे हाथ और पौवा काटने का हुक्म दू क्या अभी पूरा दीवार पे जाता क्या चढ़ते हुए जा छत पे जाता क्या वैसे चढ़ते हुए कौन क्या करना तेरे को मार के काट के जमीन में गाड़ के भस्म करूं क्या नहीं
मैं तेरे को बाटली में डाल के जमीन में गाड़ देता हूँ, तेरी आजादी पूरी छीन लेता हूँ। कितनी मजा आएगी, तू बाटल में बैठ के रहेगा कयामत तक, अंदर बैठ के रहना जमीन के अंदर। क्या दो टुकड़े करके तेरे को बाहर टांग दूं? कितने लोग आ रहे जा रहे, गिनती करने का लोग होगी, रजिस्टर लेकर गिनते बढ़ने का। बहुत लोगों को परेशान करा क्या ऐसा अभी तक? कितने लोगों की जान लिया उस पहचान की? और दूसरे और लोगों को उससे पहले? तुम्हारा कौन है? ये अपने साली छोड़ा, साली का बच्चा है। तुम्हारा कौन है? कितने बहन भाई उसके? ये पांच भाई एक बहन। बड़े है छोटे? ये बड़ा है, सब बड़ा है। उसके दादा का इंतकाल ऐसा होगा है। उसके दादा क्या करके मारा तूने? बेर खिलाया दादा। अच्छा, बेर में दवा डाल के खिलाया? बेर। कब खिलाया था, कितना टाइम होगा? शादी के दिन। किसकी शादी? अनीस की। ओरे अनीस बच्चा है तो बच्चा। अच्छा, कब हुई इसकी शादी? दो साल हो गए। उस दादा का इंतकाल कब हुआ? उसको अभी साल हुआ है। अरे कब मारा उसके दादा को, सही बोल। उसको दवा डाल के यार बनाए थे, पागल करके डाल दे। अच्छा, दवा डाल के पागल करके मारा ना? और भी दस पत्ते हो गए। और और क्या कर रहा? और कुछ नहीं करने वाले, गाड़ी बर्बाद करने वाले। इसके छोटे छोटे बहन भाइयों को परेशान कर रहा है, इससे छोटे है तो सब कुछ है उनके घर में, सब कुछ। ये बच्चे को कहीं में खिलाए थे? सब कुछ। इसका क्या नाम है? फिरोज। फिरोज को कहीं में खिलाए थे? चार। इसकी उम्र कितनी है? ये 12 साल का। 12 साल का। 12 साल के बच्चों को परेशान कर रहा है, उससे छोटे भी बच्चों को परेशान कर रहा है, और घर में के छोटे भाई को भी पिलाए थे। काहे में पिलाए थे? रोना भूल के। रोते रहना भूल के। काहे में पिलाए थे? मट्टी। काई की? कमर। काई के अंदर जादू करे थे वो पूछा मैंने तुझे, किस चीज में मिला के खिला के जादू करे? मट्टी। उसके भाई का क्या लिए थे जादू चलाते टाइम पे? बाल। अभी फिर उसका क्या लिए थे जादू चलाते टाइम पे? बाल। सबके बाल ले गए थे क्या? कटिंग के दुकान पे ले गया था उन्हें। कौन लिया था, क्या नाम है उसका? सलमानी। क्या नाम है? सलीम। क्या दुश्मनी थी इनकी उसकी? किस बात की? उसके बाप मार के उसके बेटे से मिला निकल था। अरे रे, कितने कमी है लोग आ रहे तुम, जहन्नुम की ईंधन बनने वाले तुम, संभवत हो जहन्नुम के में जाके तुम्हारे को वहाँ पे भी नहीं, उससे खतरनाक जगह पे डालना तुम, कम बात हो तो। क्या बड़े अब पंखे की स्पीड कम करो रे, वो कौन बड़ा है वो? क्या उसके बड़े अब्बा को भेजोगे डालने का? किसके बड़े अब्बा को? मेरे। फिर उसके? हाँ। कौन है उसके बड़े अब्बा? बड़े अब्बा, बड़े अब्बा उसके भाई। क्या करने वाले उसके बड़े अब्बा को? उससे भी जादू करे? सब पे करे वाले। उसके बड़े अब्बा का क्या लेके जादू करते टाइम पे? सब पहन का कपड़ा। बड़े अब्बा का क्या नाम है उसके? रसूल। रसूल भाई। रसूल भाई का क्या लिए थे? पहन का कपड़ा। कौन से कलर का था पैंट वो? काला। कितना टाइम हो रहा कपड़ा लेके? 4 साल। क्या कब्रस्तान से जादू करे कपड़ा ली जाके, क्या शमशान से? शमशान। अच्छा, क्या बोल के करे उसके ऊपर? और ये बच्चों पे, इसके बाप पे कहाँ से जादू करे थे फिर उसके? उसकी माँ ने करी थी। किसकी? कश्मीर। फिर उस पे, फिर उसके बाप पे कहाँ से जादू करे थे? शमशान से, कब्रस्तान से? शमशान। और उससे पहले तू बोला कब्रस्तान से आया, फिर
कब्रिस्तान से मट्टी लाके पिलाए। अच्छा डबल जादू करे इधर से उधर से दोनों तरफ से। हाँ। जकड़ के रखो इसको, ना लाए कुर्सी के अंदर, आग लगाओ तेजी से। दुश्मनी क्या थी ये? दुश्मनी उसके बाप को मार दे, कोई तेरा वो नहीं मार रहा बाबू। अच्छा बदला ले रहे समझे, बेइज्जती का। सही बोल रहा, नालायक शैतान झूठ बोल रहा। जोर से बोल। हाँ सही बोल रहा क्या? लगा बुरी दावत। तुम्हारा वाला इंसान है जिन्नात की नस्ल में से? कौन है तू? मैं बाप। तुम्हारे वाला इंसान है जिन्नात की नस्ल में से? मैं भूपेना। मैं कहाँ मारा था? हाँ डॉग ने भी। कब मारा था? 3-4 साल हो गए। अच्छा कौन से गांव में मारा था? किस गांव? हाँ कब्रिस्तान में कौन से रखे थे? दूसरे जादूगर ने पकड़ के लाके इधर डाल दिया। मट्टी लाके पिलाई तो बच्चे के आंग में डाला थे पकड़ के लाके उन्हें। मट्टी लाके पिलाई। और किस किस पे करा उन्होंने? सब बच्चे कुछ इसको जकड़ के लो तेजी के साथ में, और उसकी नस नस में बीने वाली सारी दवाएं बीवाएं क्या है, बाद में उसके जुलाब और उल्टियां लगा के सब बाहर निकाल के फेंकना, और उसके नस नस में की दवा निकाल के उसको मार मार के ठेसा करके भस्म करो। अरे जिधर से आया उसको रिटर्न करो, ये नालायक को उठा दो ना हाथ ऊपर और तोबा तोबा कर। दोबारा दिखना नहीं मुझे बच्चे के आंग में। जोर से तोबा तोबा कर, जबान से आवाज लगा तेरी जोर से। सुने नहीं आ रहा मुझे? सुने नहीं आ रहा मुझे? करेगा बच्चे को परेशान दोबारा? नहीं ना। दिखेगा मुझे? नहीं ना। लिंगा आप जान उसके घर में से किसकी? नहीं ना। तोबा कर जोर से। तोबा तोबा। तो जोर से। तोबा तोबा। जोर से दोनों हाथ से। कमबख्त इतने छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहा रे नाला। जोर से कर तोबा। ये बच्चों के बाला कौन सा कब्रिस्तान में गाड़िया ले? शमशान में कब्रिस्तान में मयूर के कब्र के लगे, वहां ले जाके अमल कर रहा था उन्हें, वहां से उठाया हमजा। कमबख्त तो तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। चल जोर से कर तोबा। चल भाग, वो सब निकाल के पड़े जोर से जलाता हूँ उतारे में, और तू दिखना नहीं हमें कुछ के आंग में। निकाल जल्दी, भाग भाग बाहर, छोड़ उसको निकल। ले रे पानी इधर। ग्लास में डाल, हम ग्लास में डाल के दे दे। हाथ बाहर निकल, छोड़ चल दे निकल, उसको छोड़ के निकाल, छोड़ उसको जल्दी। नहीं जाता, नहीं जाने का। मारने लगा और चाबुकों से बुलाओ बाहर से जंजीरा मारो और डालो उसको जंजीरा और जकड़ के मारो उसको खूब। बोल नहीं जाता, जाना तो पड़ता, जल्दी छोड़ के निकल उसको। भड़काओ उसके अंदर आग तेजी से भड़काओ, पड़े तक रोकने में बिस्मिल्लाह जलाओ उसके पेट में आग लगा दो तेजी से। पेट में कुछ बाहर मत निकलो तो भी जलाते रहो तेजी से, आग लगा के जलाओ उसको। जलाओ उसको, ज्यादा नहीं बोलता हूँ मेरे सामने, बताओ उसको क्या है उसकी औकात। मारो उसको आग लगा के जलाओ तेज से। واذكر اسم ربكم وبطل في الكبت لرب العالمين.
छोड़ के उसको इज्जत से जा, अगर नहीं रहा तो तेरे उतारे के अंदर पूरा जला के राख करूंगा। बाद में बोलना नहीं फिर मैंने छोड़ा नहीं बोल के। उसको देखा ना यहाँ कैसा मारते, तो मार मार के ठेसा बना देते यहाँ तेरा पूरा। इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ उसके आंख पे? बहुत बार है। क्या हुआ? ऐसा करता है ऐसा बहुत, दो दो तीन तीन आदमी सुना, रात रात नींद नहीं आती हमको, ऐसा करता हूँ। ये क्या दास्तान चल रही है देख लिए ना, ये खिला के करके कौन करा क्या क्या नामा निकले वो मम्मी को तो मालूम नहीं, कौन क्या दुश्मन है चल रहे कुछ तो बोल रहा था, क्या क्या भानगड़े हैं तुम्हारे, तो उस वजह से करके उन्होंने मारे दो लोग मारे बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो पता नहीं कौन मारे क्या। खैर अभी इंशाल्लाह मैं जैसा बता दोस्त अमल करो, ऊपर जला के रखना पड़ेगा उसके अंदर दवा बढ़िया भी इनके। तो वो उसके बाल ले गए थे, बाल ली जाके करके कीड़े मार के मर गए थे, उसके बाल ली जाके करके वो शैतान ना बोल रहे ना बाल लेके गए ली जाके कोई उनसे खबरस्तान से जादू करे, फिर जादूगर कौन से खबर के पास बैठ के जरा खबरस्तानों के अंदर उसमें देखना ऐसा कौन लोग क्या कर रहे हरकत, अनजान लोग आ रहे क्यों आ रहे क्या कर रहे, अंदर आने नहीं देते जाना क्योंकि ये कुछ सिपलिया माला ऐसे बदमाशा कर रहे हैं उनके, तो आखिर इतना बर्बाद है। मगर जो लोगों की खबर है उनको भी चैन से नहीं रहने दे रहे वो, और दूसरी बात ऐसा मरे वाली रूह को नहीं लाते, वो रूह तो चले जाती, रूह को खैद कर लेते फरिश्तों की ताबे रहती। मिन्हा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तरतन उखरा, उनके खबर के अंदर मट्टी डालते, वो जो मट्टी डालने से सातों हमजा दब जाते, तो जादूगर आ क्या करते वही हमजादों को उठाते और उठा के ये ऐसी हरकत कराते ला के आंगों में डाल के करके, मरे वाला किसी के आंग में रहता उसके वो हमजा रहते, वो शैतानी हमजा जो रहता वो बहुत लंबे थेरे आए तुम लोगों की सीर के आम इंसान के ऊपर से जाते सब बातें, इनके जानकारों को समझाए तो समझ नहीं गा। और उसके बाद में क्या क्या हो रहा, गर्दन दुख रही, उसको जकड़ करते ना गर्दन में से वहां से दांत लड़ा के खून पीता, ये कौन है? कालू। ये पप्पा। खैर उसका भाई उसको वो जो ये जो तरीके रहते जैसे एक दूसरे पे जादू टोने करके ये गलत है, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते दोनों करने, तुम जा रहे किसी पे बदला लेने तो तुम बदला लेने का हथियार तुम्हारे पास सबसे बड़ा दुआ और बददुआ, ऐसी चीज है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि तुम दुआ करे तो दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता कि दुआ डायरेक्ट अर्श पे नहीं जा सकती जब तक दुआ के साथ में दरूद शरीफ नहीं रहेगा, तुम अगर दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो ये दुआ अर्शी लाई पड़ जाती है तो जमीन आसमान के बीच में उसको रोक देते हैं, और बददुआ एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोकते सीधा अर्शी लाई पे जाते सीधा अर्श पे जाके, और वो भी हक पे रही तो लगती बददुआ ऐसा नहीं, और तुम ऐसे ज्यादा दुआ आंटों ने करके दूसरे को परेशान कर रहे, बहुत 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 गलत बात है।
तुम अपने हाथों से अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दे रहे आखिरत में। हाँ तुम करो, अगर तुमको करने का शौक ही जा रहा तो जादू टोने मत करो, किसी से बदला भी ले रहे हो कुछ भी कर रहे हो तुम, तो हक पे करो ना, ना हक मत करो ना, ना हक किसी को तुम्हें परेशान कर रहे तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि जादूगर के पास जाके जादू चलाने से पहले जिस दिन भी जादू हटाने वाला उस्ताद के पास में अगर लोग आ जाएंगे तो जादू पलट के तुम्हारे ऊपर आता है, बहुत बुरे हाल हो जाते फिर तुम्हारे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती, तुम जो भी काम करने जाते हो काम आने टाइम पे बिगड़ जाते, सारे तुम्हारे दिमाग में वसवसे आना चालू हो जाते, तुम्हारी दुनिया आखिरत तो सब जाती जाती, उस साथ दुनिया का सुकून भी चले जाता, चारों तरफ से नहुसती घेर लेती तुम्हारे, तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाते। तो इसलिए ऐसे हरकतों के करीब नहीं जाना, तुम ऐसा सोच के चला रहे कि हम दूसरे पे चला देंगे, हम वहीं पूजरेंगे, गलत बात है। तुम हक पे रहे तो तुम वहीं पूजरेंगे, ना हक रहे तो फिर तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होता फिर। अच्छा बहुत सारी बातें क्या बोलूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों पर जादू कर रहे, शर्म आना, शर्म करो जरिए, मेरे तो बोलने का अल्फाज नहीं मिल रही। खैर मैं ये बोलूँगा कि सब लोगों को दुआ पढ़ो, हर खाना खाते वक्त की दुआ, बच्चों को याद दिलाओ चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, हर चीज़ की, क्योंकि जादू टोनों से सबसे महफूज तुम्हारे दुआ रखेंगे। दुआ मोमिन का हथियार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, और हर चीज़ की दुआ तुम्हारे दिया जाए, खाना खाने की, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, दूध पीने की, पानी पीने की, बाल में कंघा करने की, हर 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 चीज़ की दुआ है। दुआएँ याद करो, हर रोज एक दुआ याद करो तुम, या दो दिन में एक दुआ याद करो, तुम्हारे आने वाले कुछ हफ्तों में महीनों में पूरे दुआएं याद हो जाएंगे। ऐसा मामूल बनाओ घर का, तालीम लो दीन की, दीन की कुरान की रस्सी को, दीन और हदीस की तालीम लो घर के अंदर, और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनेगी। और बहुत सारे जमाता भी आ गए मार्केट में, इन सबसे बचो, फिरके आए वाले फिरके वालों से बचो। ओरिजिनल इबादत तुम्हारे सामने हदीस और कुरान है, उनको पढ़ो, फॉलो करो, समझो और समझ के पढ़ो, ताकि तुम्हारे ईमान इतना मजबूत रहना कि तुम्हारे पे किसी का डाव फिरका परस्त का तुम पे बेअसर रहना, क्योंकि फिरकों में अगर बढ़ जाएंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, तुम्हारी शफात कौन करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे बातें कहने के लिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, ठीक है। चलो रोको, ये सुबह शाम दो टाइम मुँह पे मार देना उसके पानी के, हाँ, और घर में ये दुआ का पानी बढ़ाते रहना, पिलाते रहना, इसमें आयतल कुर्सी सात बार, सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करके हर नमाज के बाद पिलाते रहना। चलो रोक दूँ।